चैनल आज हम बनाएंगे जेली। जेली बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है, तो इसको हम घोल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा बर्तन लिया है, अब इसमें हम 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। एक गिलास पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम मिलाते रहेंगे। अच्छी तरह से घोलना है इसको, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको हम घोलेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा और डाल देंगे, अब इसमें हम पूरा गिलास पानी का डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छी तरह से घोलना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से घोल लिया, अब इसको हम पका लेते हैं। जेली बनाने के लिए हमें एक मोटा बर्तन चाहिए, तो यहाँ मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली है। अब इसमें हम 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी को हम गर्म होने देंगे। मैंने एक कंटेनर लिया, अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसमें हमने जेली को सेट करना है, वो बर्तन को पहले हम घी लगा लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, इसको हम अच्छी तरह से घी लगा देंगे। कंटेनर को अच्छी तरह से घी लगा दिया, हमारा घी है जो गर्म हो चुका है। गैस को हम कम कर देते हैं और पहले हम इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब इसको हम धीरे धीरे से डालेंगे। पहले आधा डालेंगे, फिर इसको हम मिक्स करेंगे। धीरे धीरे डालते हो गए, इसको मिक्स करते हो गए, हम चलाते रहना है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चलाते हुए इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे 10 मिनट के लिए। गैस को हम कम ही रखेंगे, इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस को हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे। इसको चलाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम आधी कटोरी चीनी डाल देंगे। चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ चीनी को मैंने पीस लिया था, ये भी मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ मैंने 2 नींबू का रस लिया, ये डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे। यहाँ मैंने येलो कलर का फूड कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं। इसको हमने चलाते ही रहना है, अगर हम इसमें करछी नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। इसको हमने गाढ़ा कर लेना थोड़ा सा और 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हमने थोड़ा सा गैस को तेज कर लिया, अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं। बस 2 मिनट के लिए और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लग गए, तो इसको हम 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसको हमने जब तक पकाना है, जब तक ये जेली की फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, ये इस तरह से होना चाहिए। तो अब हमारी जेली बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम कंटेनर में निकालेंगे। अब हमने एक जेली को कंटेनर में डाल दिया है। बड़ा कंटेनर ले लिया है क्योंकि वो छोटा था, उसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ दूसरा ले लिया। तो अब इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, ये अपने आप सेट हो जाएगी।
हमारी जेली को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। पहले हम हाथों से इस तरह से इसको साइडें चुड़ाएंगे। अब इसके हमने साइडें चुड़ा ली हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसको हम इस तरह से उल्टा कर देंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे। अब इसको हम धीरे से निकालेंगे। ये देखिए, अब हमारी जेली बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। हमने जेली को कट कर लिया। मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हमारी जेली बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।